हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक्कार। मेरा नाम अजहर। मेरा नाम अली दादा। अली हैदर। आज हम देखेंगे महाभारत का 21 एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था महाराज पांडु, वो जंग पर जा रहे थे तो अपनी पत्नी से भी इजाज़त ले ली, वो भी परेशान थी। और महाराज धृतराज, वो तो भाई उसने बोला मैं अंधा हूँ, जंग कर सकता हूँ। और शकुनी भी यूं एक साइड से देख रहे थे। शकुनी मामा अपनी बहन के लिए आए, उनको अपनी बहन का हक चाहिए। भाई हक चाहिए तो पॉजिटिव, वो उनको तो मिल गया ना वो हक। वो चाहते थे मेरे ये साले जो है, साले है क्या बहन हुई, वो बड़ा बच्चा बने। बाकी यार मुझे जो भीष्मा जी भी इस मर्तबा परेशान लग रहे थे और राजमाता भी परेशान लग रही थी, उसने महाराज पांडु को बोला आप नहीं जाओ। तो उसने बोला ये मेरी फर्स्ट है, तो मैं फर्स्ट बादशाह हुआ हूँ तो मैं जाऊँगा इस जंग पर। तो करण ने भी अपने हथियार वो संबंध पानी में फेंक दिए, तो अभी उसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो तो कृष्णा जी को मिल गए थे। तो उसने बड़ा प्यार और मोहब्बत का मैसेज दिया, गुड मैसेज जैसे वो देता है कृष्णा जी। तो बाकी दोस्तों चले प्ले करें। हाँ प्ले करो, आगे देखते हैं क्या करो। यार हम भी बड़े उत्साहित हैं देखने के लिए। क्या ये सत्य है? नहीं। अरे कृष्णा जी, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है ना, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है, क्या हमने कभी विचार किया है? नहीं। जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? वाह वाह, स्वयं विचार कीजिए। अच्छा भाई सोचो यार, सोचो। पहले तो नगाड़ों के माध्यम से संदेश भी आ रहे थे, पर अब तो युद्धभूमि से संदेश भी आने बंद हो गए। आएगा संदेश और अवश्य अच्छा समाचार लेकर आएगा। संदेश आ गया। क्या होगा, महाराज पांडु फिर से पहुंच गए होंगे। ओहो, अभी तो सिर्फ संदेश आया है। सुखद समाचार है राजमाता, महाराज पांडु ने युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। हाय, मुझे विश्वास था पहले ही युद्ध पांडु विजय प्राप्त करे। उसने स्वयं को निर्विवाद रूप से सम्राट सिद्ध किया है। नगर में उत्सव का आयोजन किया और स्वागत में कोई न्यूनता नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे लिए आनंद का समय शुरू हो गया है कुंती। विवाह के पहले दिन यदि पति दूर चले जाए तो पत्नी के हृदय को कितनी पीड़ा होती है वो समझ सकती हूँ। कोई दुख नहीं है चीजें, सिंहासन पर राजा का प्रथम अधिकार होता है, मुझे दूसरे स्थान पर रहने में कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कभी मत कहना कुंती,
पति का ध्यान जिस पत्नी की ओर नहीं होता उसका जीवन नरक हो जाता। ईश्वर करे कि तुम्हें सदा अपने पति के जीवन में प्रथम स्थान मिले। अब फिर से तुम्हारे भवन को सजाने का समय आ गया है। दासी, सारी दासियों के साथ जाओ और महाराज का शयन कक्ष उत्तम रीति से सजाओ। विजय समाचार के बाद और क्या समाचार हो सकता है? क्या कोई अशुभ समाचार है? नहीं दादाश्री, समाचार अशुभ तो नहीं है, परंतु क्या समाचार है महामंत्री? समाचार ये कि हमने अर्थात महाराज पांडु ने मद्र देश की सहायता की और मद्र राज को एक प्रबल युद्ध से रक्षण किया था। तत्पश्चात मद्र राज ने महाराजा पांडु से विनती की, अवश्य विनती ही की होगी, महाराज मना नहीं कर पाए, इस प्रकार विनती की होगी कि विदुर स्पष्टता से कहा। राजमाता, मद्र राज ने महाराज पांडु को अपना जामाता बनाया। ये क्या है? जामार का मतलब वजीर, या वजीर बना होगा या कुछ और। महाराज पांडु अपनी दूसरी पत्नी के साथ यहाँ पधार रहे हैं। ये शकुनी, अरे दूसरी शादी कर ली महाराज पांडु। अरे यार राजकुमारी, महाराज पांडु और उनकी नववधु के स्वागत का प्रबंध किया जाए महामंत्री। दिल पे पत्थर रख लिया हाँ? एक राजा की कई पत्नियां होती है। यदि महाराज पांडु दूसरे विवाह करेंगे तब आपका यही रहस्य आपके प्राप्त का संकट बन जाएगा। और वैसे भी एक स्त्री के लिए शौक के संकट ही होती है। इससे वो वादा याद आ गया।
चलो दोस्तों इस एपिसोड को हम यहीं पर एंड करते हैं। यार क्या हो गया अभी तो बड़ी यार ये दुख की बात हो गई, खुशी की बात भी है और दुख की बात ये है। तो महाराजा पांडु ने जंग जीत ली और महारानी के लिए एक बड़ी दुख की बात ये है तो महाराजा पांडु ने शादी कर ली। दुख भी नहीं कह सकते, महाराजा तो हक है उनका शादियां करना, वो बोल भी रहे थे। भाई महारानी को तो दुख हुआ ना, महारानी को कौन सा दुख है, थोड़े दिन का दुख है फिर ये खुश हो जाए। ये होता है तो सबसे बड़ा जो दुख हुआ ना वो धृतराज को और शकुनी को हुआ सबसे बड़ा। अभी खुश हो गए, खुश था धृतराज दुखी हुआ। ये किसी के साथ होता है, पहली बीवी के साथ होता है, बड़ा उसको दुख होता है जब दूसरी बीवी आती है ना महाराज की। तो अदर भाई आपको कैसा लगा? नहीं वो जो दूसरी बीवी आई थी उन दोनों के बीच में उसका तीसरा हो गया किरदार, तो उन दोनों के बीच में वैसे हो गया। तो ये बड़ी दुख की बात है। चलो दोस्तों हमारे चैनल को याद जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जरूर बेल आइकन को दबाना।